हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो मैंने EIB 18 एग्जाम है उसका रजिस्ट्रेशन किया है और उसको पूरा अपने रिकॉर्ड किया, जिसको स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, एक एक चीज़ यहाँ पे बिल्कुल आपको लाइव स्क्रीन के ऊपर दिखेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, चलते हैं सीधा स्क्रीन के ऊपर। जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं EIB 18 एग्जाम के लिए। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाले लिंक के ऊपर क्लिक करते हो, बिल्कुल एक ऐसा पेज आपके सामने सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, यूज़र लॉगिन के साथ में न्यू एप्लीकेंट और यहाँ पे जो रजिस्टर हेयर लिखा है उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। उसके बाद में एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डाल करके कंटिन्यू करना है। इसको मैं करके फिर फ़ोन के ऊपर OTP भी आएगा, तो ये प्रोसेस अभी मैं कर लेता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हो कंफर्म पे, उस पर देखिए यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन, एक OTP आपके ईमेल पे चला गया। ईमेल पे वाला OTP यहाँ पे डालकर वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे, एक OTP आपके फ़ोन नंबर पे गया, फ़ोन नंबर पर OTP यहाँ पे डालोगे और वेरीफाई OTP करोगे, देन सबमिट पे क्लिक करोगे। जैसे ही मतलब सबमिट पे क्लिक करोगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कर लिखा आएगा, थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो आपने पासवर्ड रखा था और जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल, दोनों के साथ लॉग इन करोगे, जब चाहो तब लॉग इन करो, जहाँ पे भी रोक दोगे वो पूरा डाटा सेव रहेगा। तो अभी हम इसको लॉग इन करके अपने फॉर्म को भरने का, अब जो हमारा मेन प्रोसेस है अभी स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही लॉगिन करो, बिल्कुल एज इट इज़ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले ईमेल आपका पहले से फिल रहेगा जो कि हम रजिस्ट्रेशन के टाइम लिखा था, मोबाइल नंबर वहाँ पे सेट रहेगा जो आपने डाला हुआ है। उसके बाद में एग्ज़ाम यहाँ पे हमने 18 को सिलेक्ट कर लेना है, एप्लीकेंट का फुल नेम यहाँ पर डालना है, कैटेगरी यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी आपकी कैटेगरी है। अगर आप BC, SC करते हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको साथ में अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड का नंबर डालोगे आप, जेंडर डालोगे मेल फीमेल। उसके बाद में अगर आप कोई भी अगर डिसेबल्ड कैटेगरी में आती हो या फिर डिफरेंशली एबल्ड कैटेगरी में आते हो तो आप उसको येस नो करोगे, अगर आप फिजिकली फिट हो तो यहाँ पे नो करोगे, अदरवाइज अगर आपको कोई हैंडीकैप है, कोई ऐसी डिसेबिलिटी है तो आप इसको येस करोगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर जो आपने डालना है, ये वो नंबर है जो कि जब आपने इनरोलमेंट करवाई थी आपको आईडी कार्ड मिला था, जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था उसका जो इनरोलमेंट सर्टिफिकेट नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपने डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैसे डालना है, DDMM YY में डालना है। और उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, स्टेट बार काउंसिल इनरोल्ड विद, जिस भी स्टेट बार काउंसिल आप इनरोल्ड हुए हो, इसके बाद इस डिटेल को मैं फिल करके फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखा। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो जाता है, जिसमें से आप सिलेक्ट करते हो स्टेट बार काउंसिल, जो भी आपका बार काउंसिल का नाम जहाँ पे आपने इनरोल्ड किया था उसका नाम सिलेक्ट करोगे, कैंडिडेट टाइप आप फ्रेश लिखोगे और रिपीट वो लोग लिखेंगे जो लास्ट टाइम अपीयर हुए थे EIB 17 में लेकिन उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, वो रिपीट में करेंगे। और यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर में अपना कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते हो उसके बाद में आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे मदर्स का नेम लिखना है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अगर आप लड़की हो, शादीशुदा हो तो आप अपना हस्बैंड का नेम भी लिख सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपने एग्जैक्ट अपना बिल्कुल सही सही पूरा एड्रेस लिखना है, नियर रेलवे स्टेशन आपका नज़दीक जो लगता है उसका नाम लिखोगे, सिटी, स्टेट, पिन कोड लिखोगे और परमानेंट भी अगर सेम है तो इसको आप यहाँ पर टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद में आप एग्ज़ाम डिटेल्स में अपने डालना है सिलेक्ट चॉइस ऑफ क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको वो लिखोगे, यहाँ पे इंग्लिश करेंगे। सिटी प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर एक पे आप जिस भी जगह पे जाते हो, जहाँ पे कुछ लिमिटेड ही यहाँ पे सेंटर्स आपको मिलते हैं, अगर आपके स्टेट में एक दो जगहों पे आपको देखने को मिलेगा जो आपके नज़दीक है, जहाँ पे आपकी पहली प्रेफरेंस, फॉर एग्जांपल मैं पंजाब से हूँ तो मैं यहाँ पे अमृतसर नंबर 1 प्रेफरेंस डालूंगा, सेकंड पे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ चंडीगढ़ डाल सकता हूँ क्योंकि चंडीगढ़ हमारा कैपिटल है, तो चंडीगढ़ यहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि ये मेरे किसी फ्रेंड का ही भर रहा हूँ, न्यू दिल्ली है, ओके न्यू दिल्ली पे मैंने कर लिया। एंड इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे करेंगे और नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। जैसे ही उसको सबमिट करते हैं, अब यहाँ पे एजुकेशन डिटेल्स आ जाती है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है कि अब बिस में क्या किया जाए। देखिए मैट्रिकुलेशन आपने सबसे पहले मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करना है क्योंकि टेंथ से स्टार्ट होगा, 10th+2 ग्रेजुएशन और LLB, अगर आपने 5 ईयर किया है तो 10th+2 और 5 ईयर LLB आप सिलेक्ट करोगे, ओके डन। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, देखिए मैट्रिकुलेशन में सब्जेक्ट्स के आपको मतलब अलग अलग इंडिविजुअली नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे ऑल भी लिख सकते हो कि सारा सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट हमारे यहाँ पे कंपलसरी होते हैं।
इंस्टीट्यूट का नाम लिखोगे जहाँ से आपने मैट्रिकुलेशन किया था, उसका नाम लिखोगे यहाँ पे जो भी आपका स्कूल था, यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम लिखोगे जिस बोर्ड से आपने किया था, जिस साल में आपने पास किया था उसका ईयर सिलेक्ट करोगे, परसेंटेज कितने आए थे आप वो यहाँ पे डालोगे, और यहाँ पे क्या करोगे आप उसका एक पीडीएफ है उसको स्कैन करके, या मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हो अगर आपके मोबाइल की क्लैरिटी अच्छी है तो, अदरवाइज किसी भी शॉप से स्कैन करवा लेना, और स्कैन करवा के आप अपने सिस्टम में डाल ही लो, इसको आगे भी कहीं ज़रूरत पड़ती तो आपके काम आएगी, और यहाँ से आप पीडीएफ का फाइल अपलोड कर दोगे। उसी तरह से यहाँ पे इंटरमीडिएट वाले में आप क्या करोगे, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा सेलेक्ट करोगे, उसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूट सारी डिटेल्स लिखोगे, सब्जेक्ट यहाँ पे, अब क्या होता है कि प्लस टू में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं स्पेशल सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिखोगे, शॉर्ट में लिख सकते हो, फॉर इंग्लिश है तो ENG लिखोगे, हिंदी है तो HINDI लिख दोगे, मैथमेटिक्स है तो MATH लिख दोगे, शॉर्ट्स में लिखोगे सब्जेक्ट्स, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे प्लस टू में सब्जेक्ट आ जाते हैं तो वो लिख दोगे। और ये ध्यान में रखो इसमें अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए तो इसका कोई इतना ज़्यादा मैटर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो PDF यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे वो ज़्यादा ही कंसिडर करते हैं, बट स्टिल यहाँ पे अपने चीज़ें को सही लिखना है। पासिंग ईयर लिखोगे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखोगे, देन आफ्टर ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसकी पूरी यहाँ पे डिटेल लिखोगे, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है LLB क्वालिफिकेशन। अब आपने 3 ईयर्स किया तो 3 ईयर्स को सिलेक्ट करोगे, अगर आपने 5 ईयर्स किया है तो 5 ईयर्स को सिलेक्ट करोगे, उसकी पूरी डिटेल दोगे, और यहाँ पे जो LLB की यहाँ पे जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पे अपलोड करने वाले हो, लेकिन यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 MB का ही फाइल यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है, तो ज़्यादा फाइल के साइजेस को लंबा ना करें आप। और उसके बाद में और यहाँ पे जो भी LLB का है यहाँ पे जो लास्ट सेमेस्टर है सिर्फ आप उसका ही यहाँ पे अपलोड करना है आपने, और यहाँ पे जो लास्ट सेमेस्टर उसी का अपलोड करना है, चाहे वो LLB 3 ईयर्स का है चाहे 5 ईयर्स का है। अगर आप सोचे को कि सभी के सभी सर्टिफिकेट को मैं स्कैन कर लूँगा और 1 MB से कम की फाइल बन जाएगी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, वो साइज़ लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने जो लास्ट सेमेस्टर है उसी का ही यहाँ पे स्कैन कॉपी अपने अपलोड करना है, जो भी यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे चाहे ग्रेजुएशन का भी डालोगे तो लास्ट में ही डालोगे। अदर क्वालिफिकेशन की जो यहाँ पे ऑप्शन आती है, अदर क्वालिफिकेशन उन लोगों के लिए है जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री भी कर रखी है पहले, उसके बाद लॉ की है, तो वो अपने मास्टर डिग्री की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने MBA कर रखा है तो यहाँ पर वो MBA लिखेगा जहाँ से किया है, पूरी डिटेल्स लिखेगा, उसकी भी यहाँ पे जो रिजल्ट की लास्ट सेमेस्टर की कॉपी रहेगी वो यहाँ पे वो अपलोड करेगा, एंड देन सेव एंड प्रोसीड करेगा। और यहाँ पे जिस जिस चीज़ में ये रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है यहाँ पे डालना, जैसे मैट्रिकुलेशन में है इंटरमीडिएट डिप्लोमा यानी प्लस टू भी हो सकता है, और जिस कुछ स्टेट्स में इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं वो हो सकता है, ग्रेजुएशन की ऑप्शनल है, LLB कंपलसरी क्योंकि ग्रेजुएशन ज़रूरत नहीं है, जो 3 ईयर्स वाले वो ग्रेजुएशन को खाली छोड़ेंगे, और जो सॉरी जो 5 ईयर्स वाले वो ग्रेजुएशन वाला सेक्शन खाली छोड़ देंगे क्योंकि उनको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, जिन्होंने 3 ईयर्स किया वो ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे, अगर इसके अलावा कोई अलग क्वालिफिकेशन है तो अदर क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, एंड देन सेवन पर सीट पर करेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद, और हम नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएंगे। जैसे ही आप अपने एग्ज़ाम की अपने जो भी आपके मार्कशीट की डिटेल्स आप अपलोड कर देते हो, सबमिट करते हो, एक ऐसा पेज आपके सामने आ जाता है, ऑलमोस्ट अभी हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं, जिसमें आपने क्या करना, एक आपने अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है अगर है तो, या फिर सेल्फी लेकर के भी आप उसको अपलोड कर सकते हो, JPG और PNG फॉर्मेट में अलाउड है, 1 MB तक का साइज़ होना चाहिए। फिर सिग्नेचर आपने यहाँ पे अपलोड करना है, सिग्नेचर वाइट पेपर पे नॉर्मल ब्लू पेंसिल साइन करके उसको आप कट करके यहाँ पे अपलोड करोगे। उसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो जो चीज़ें आपने डाली होंगी उसकी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि इस केस में डिसेबिलिटी का मैंने डाला था तो यहाँ पर मैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर दूंगा। और इनरोलमेंट सर्टिफिकेट में यहाँ पे जो आपको सर्टिफिकेट मिला था प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसकी यहाँ पे स्कैंड कॉपी अपलोड करना है, उसको यहाँ से अपलोड कर देंगे। देन आफ्टर थोड़ा सा उसके नीचे आ जाएंगे, डिस्क्लेमर को एक्सेप्ट करेंगे, डेक्लरेशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट करेंगे, उसके बाद का पेज आपको दिखाता हूँ। उसके साथ ही सारा काम कंप्लीट होता है और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे फीस पे करने की ऑप्शन आती है, 3500 रुपीज़ आपने पे करना है, दैट्स इट। यहाँ पे फीस का भी आपको क्लियर होगा कि 3500 यहाँ पे आपको फीस पे करनी है। पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर पेमेंट आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे अगर कुछ भी अगर आपको डाउट है तो एक बार एडिट एप्लीकेशन करके दोबारा इसको चेक कर लें तभी आप पेमेंट करें। अगर आप सेटिस्फाइड हो कि आपने जो चीज़ें भरे बिल्कुल सही है, देन आपने कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कन्फर्म करोगे एक नया विंडो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गई है कि जिस तरीके से आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है, तो अब यहाँ पे आपने अपनी क्या करनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देनी है।
जैसे ये पेमेंट कर दे तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल इस तरीके से सामने आ जाएगी, इसमें एप्लीकेशन स्टेटस पेड आ जाएगा और यहाँ पे आपका काम खत्म है। अब आपको एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा तब वेट करना है, लॉगिन करके आप सारी डेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हो, कोई नोटिफिकेशन आती है उसको चेक कर सकते हो। बाकी चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको कोई भी अपडेट आती है मैं अपडेट करता रहूँगा, और कोई डाउट है क्वेश्चन है फॉर्म को भरने में तो पूछ लीजिए। बस फॉर्म आपने खुद से ही भरना है, किसी से भरवाना नहीं है, बहुत ही सिंपल और आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।